नमस्कार दोस्तों, अजय ट्रेडर्स की और एक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं अपने सोमवार को बैंक निफ्टी और निफ्टी क्या कर सकती है। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट में क्या सीनियर बना है लास्ट फ्राइडे को। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप चेक करोगे तो डाउ जोंस 575 पॉइंट प्लस पे क्लोज हुआ है और उसका DJI का फ्यूचर 700 पॉइंट पे क्लोज हुआ है और SGX निफ्टी 98 पॉइंट प्लस हुआ है, यानी 16435 पे वो क्लोजिंग दिया हुआ है। यानी ग्लोबल मार्केट फ्रेंड्स पॉजिटिव अभी दिख रहा है। तो सोमवार को क्या होगा वो सुबह में देखना पड़ेगा और मेरे ख्याल से सोमवार को डाउ जोंस यानी अमेरिका मार्केट क्लोज है। अगर वो लेकिन फ्यूचर अगर फ्लैट बिन ओपन होगा तो हमारा मार्केट गैप ओपन होने की पूरी संभावना है सोमवार के लिए। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स निफ्टी ने क्या किया। फ्रेंड्स, निफ्टी के बारे में मैंने आपको बोला था फ्रेंड्स कि अगर 16,229 ब्रेक करेगा फ्रेंड्स तो उसका टारगेट मैंने आपको दिया था। ये लेवल ब्रेक करेगा तो मैंने आपको टारगेट दिया था पहला वाला 16,300 और दूसरा टारगेट मैंने आपको दिया था 16,400। आप यहाँ पे चेक करोगे फ्रेंड्स कि उसका क्लोज ओपनिंग ही हुआ है फ्रेंड्स, उसका ओपनिंग हुआ था 16,300, यानी मैंने जो आपको पहला टारगेट दिया था वो उसी के पास उसने ओपन किया फ्रेंड्स निफ्टी ने लास्ट फ्राइडे को और वहाँ से उसने हाई मारा फ्रेंड्स। करीबन 16,370 पे उसका हाई है, यानी मैंने जो आपको लेवल दिया था 16,400 तो उसका 30 पॉइंट बाकी रह गया उसको टच करने में, क्योंकि ये 16,400 जो है वो हाई रजिस्टेंस जोन है फ्रेंड्स, इसलिए वो 400 तक क्रॉस नहीं कर पाई। जबकि बैंक निफ्टी ने मैंने जो लेवल दिया था उसी लेवल के ऊपर वो सस्टेन हो गई। यानी मैंने आपको जो बोला था 15 मिनट की चार्ट में देख लेते हैं फ्रेंड्स हम बैंक निफ्टी के बारे में। मैंने आपको बोला था कि 35,228 निकलेगा तो उसका पहला टारगेट आएगा फ्रेंड्स 35,500 और दूसरा टारगेट मैंने आपको बोला था फ्रेंड्स 35,634 ये वाला। तो ये दोनों टारगेट फ्रेंड्स बैंक निफ्टी ने अचीव कर लिया जैसे मैंने आपको लेवल लिए थे। तो लास्ट फ्राइडे को फ्रेंड्स बैंक निफ्टी बुलिश थी और निफ्टी इतने बुलिश नहीं दिखाई दी थी हमको लास्ट फ्राइडे को। तो ये देखते हैं सोमवार को निफ्टी में क्या हो सकता है फ्रेंड्स। ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है तो उसके हिसाब से अगर वन डे के कैंडल में हम चेक करते हैं फ्रेंड्स निफ्टी के बारे में, तो यहाँ पे आप चेक करोगे फ्रेंड्स कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ऊपर से नीचे आ रही है जिसका ये रजिस्टर है फ्रेंड्स एरिया। उसने रजिस्टर वन टाइम लिया, टू टाइम लिया, थ्री टाइम भी लिया और यहाँ पे फोर टाइम को आने वाली है रजिस्टर पे निफ्टी। तो बाई चांस अगर जैसे हमने ग्लोबल मार्केट सीनियर देखा वैसे ही अगर सोमवार को सुबह में ओपन होता है तो 16,400 के ऊपर ये ओपन होने वाली है हमारी निफ्टी। यानी ये जो रजिस्टेंस जोन है फ्रेंड्स, ये रजिस्टेंस जोन को उसने ब्रेक करके ये यहाँ तक यहाँ पे ओपन होगी। और ये लेवल कौन सा रहेगा फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। लेवल रहेगा हमारा 16,000, उसका क्लोजिंग हुआ है 16,350 पे उसका क्लोजिंग हुआ है फ्रेंड्स और उसका ओपनिंग हो सकता है फ्रेंड्स, इसको मैं ले लेता हूँ 16,485-480 के करीब, इसको मैं हटा लेता हूँ। और अगर वन डे के चार्ट में आप चेक करोगे तो यहाँ से लेके 16,400 के 15,700 तक काफ़ी दिन उसने बिताया है, यानी ये एक रेक्टेंगल पैटर्न में उसने टाइम निकाला है। तो अभी आने वाले दिनों में अगर ये सोमवार को ये 16,400 ब्रेक करके वो वहाँ पे क्लोज होती है सोमवार के दिन, तो आने वाले दिनों में उसका टारगेट रहेगा फ्रेंड्स पैटर्न के हिसाब से अगर लिखा जाए तो उसका टारगेट आ सकता है आने वाले दिनों में 17,000 के करीब उसका टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स निफ्टी का। लेकिन उसके लिए उसको ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक करना पड़ेगा और ये रजिस्ट्रेशन जो बना हुआ है ये रजिस्ट्रेशन को भी उसको ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोज देने पड़ेगा निफ्टी का आने वाले दिनों में, यानी सोमवार को या मंगलवार को। ओके, तो अभी हम देखते हैं सोमवार को क्या हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 16,400 के ऊपर ओपन होता है निफ्टी 16,400 से लेकर 16,500 के बीच में, और अगर वहाँ पे थोड़ा टाइम कंसोलिडेशन करने के बाद अगर ये 16,500 ब्रेक करता है फ्रेंड्स तो 15 मिनट के चार्ट में हमें क्या दिख रहा है फ्रेंड्स देखते हैं हम। अभी यह जो गैप भरा हुआ है बड़ा वाला गैप, इस गैप को फिल करने के लिए ऊपर जा सकती है निफ्टी। और ये गैप कितने वाला है, कितने का है फ्रेंड्स 16,650 का, यानी करीबन यहाँ से आप पकड़ो तो 300 पॉइंट अब जा सकता है आने वाले दिनों में।
और डाउन की साइड में अगर फ्रेंड्स यहाँ पे ओपन होने के बाद अगर 16,400 ब्रेक होता है डाउन की साइड में, यहाँ पे ओपन होने के बाद अगर निफ्टी डाउन साइड में ये लाइन ब्रेक होती है तो डाउन की साइड में उसका पहला टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स। 16,400 ब्रेक होता है तो उसका पहला टारगेट आ सकता है 16,300 और दूसरा टारगेट आ सकता है डाउन की साइड में फ्रेंड्स ये वाला 16,200। ये हो गया फ्रेंड्स निफ्टी का लेवल सोमवार के लिए। और बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बोला कि सोमवार को निफ्टी गैप अप ओपन होती है तो हमारी बैंक निफ्टी भी गैप अप हो सकती है, कि वो गैप अप कहाँ तक होती है वो हम देखते हैं अभी। तो इसके लिए हम काम करते हैं वन डे का चार्ट लगा लेते हैं स्क्रीन पे हम। आप यहाँ पे देखो कि उस यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन था बैंक निफ्टी का, वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम, फोर टाइम और ये फिफ्थ टाइम और ये सिक्स टाइम, ये वाला सिक्स टाइम, ये टाइम, ये वाला फिफ्थ टाइम, इसको उसने लास्ट फ्राइडे को 2 दिन से उसने ब्रेक कर दिया है फ्रेंड्स। और उसका क्लोजिंग हुआ है लास्ट फ्राइडे को 35,613 पे। तो बैंक निफ्टी क्लियर कट हमें इंडिकेट दे रही है कि मैं अभी बुलिश हूँ और अभी मैं पीछे मुड़ के दिखने वाली नहीं हूँ, मैं आगे चलने वाली हूँ। तो आगे कहाँ तक जाती है वो हम देखते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने आपको अगले वीडियो में बताया था कि ये जो रेक्टेंगल पैटर्न है उसका उसने ब्रेकआउट दिया है, और जब ये रेक्टेंगल पैटर्न ऐसा सीनियर बनता है और जब उसका ब्रेकआउट होता है तो उसका टारगेट बहुत ही बड़ा आ सकता है फ्रेंड्स। कितना टारगेट आ सकता है इसका प्राइस रेंज के हिसाब से अगर पकड़ूँ मैं मैक्सिमम, तो 5% उसने यहाँ पर निकाला है और उसका टारगेट आ सकता है आने वाले डीरो में 36,600 पे उसका टारगेट आ सकता है। और उसका क्लोजिंग हुआ है 35,613 पे, यानी अभी यहाँ से 600 से 700 पॉइंट ऊपर जा सकती है बैंक निफ्टी। हो सकता है सोमवार को ये अचीव कर सकती है। तो आइए देखते हैं 50 मिनट के चार्ट में कि बैंक निफ्टी सोमवार को कहाँ तक जा सकती है। तो उसके लिए मैं 50 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ स्क्रीन पे फ्रेंड्स, और यहाँ पे हम एनालिसिस करते हैं कि एक सोमवार को निफ्टी गैप अप ओपन होती है तो हमारी बैंक निफ्टी भी गैप अप ओपन होने वाली है, लेकिन वो कहाँ ओपन होती है वो इम्पोर्टेंट बात है। समझ लो कि ये यहाँ पे ओपन होती है 35,900 से लेके, एक काम करता हूँ मैं रेक्टेंगल बना देता हूँ, 35,900 से लेके फ्रेंड्स इस एरिया में ओपन होती है। अगर वहाँ पे कुछ टाइम कंसोलिडेशन करने के बाद अगर बैंक निफ्टी ने अपसाइड में मूवमेंट दिया, यानी कि यहाँ पे कुछ टाइम उसको टाइम पास करना पड़ेगा, एक प्राइस एक्शन बनाना पड़ेगा, और उसके बाद अगर अपसाइड में मूव करती है बैंक निफ्टी आधा घंटा एक घंटे के बाद, तो उसका टारगेट आ सकता है 36,150 और दूसरा टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स अपसाइड में 36,300। इसको मैं 36,025 कर लेता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक, ओके। और ये हो गया हमारा अप लेवल। लेकिन बाय चांस अगर यहाँ पे गैप ओपन होने के बाद अगर ये डाउन की साइड में 35,900 ब्रेक करती है, 35,900 या फिर 880 ब्रेक करती है डाउन की साइड में, तो उसका पहला टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स डाउन की साइड में 35,700 और दूसरा टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स 600। ये हो गया फ्रेंड्स बैंक निफ्टी का डाउन की साइड का ट्रेड। इसको मैं प्राइस मार्क करके लगा लेता हूँ फ्रेंड्स स्क्रीन पे 700 और उसको ब्रेक करती है तो उसका टारगेट आ सकता है डाउन की साइड में, दूसरा टारगेट मैंने आपका बताया 600, यानी 600 यानी ये यार, ये हो गया हमारा डाउन की साइड का सोमवार के लिए ट्रेड फ्रेंड्स। अगर बैंक निफ्टी में अगर आपको मूवमेंट पकड़ आ गया तो आपका ट्रेड सही होगा। अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट भी आप पकड़ लेते हो, ऐसे 100 पॉइंट का मूवमेंट भी आप पकड़ लेते हो, तो उसमें से आपको एट द मनी आप लेते हो कॉल या पुट उस टाइम पे, तो आपका 60 से 70 रुपीस आपको मिल जाएगा। तो हमको क्या करना है, सिर्फ उसका मोमेंटम ही हम है उसको कैच करना है,
बैंक निफ्टी में अगर मोमेंटम पकड़ना अगर आपने सीख लिया, हमने सीख लिया, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी को डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन न्यू लिंक है, उस लिंक से आप न्यू डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन लिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।